प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं टॉप रैंकर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यदि आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखा है तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाइएगा, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। तो प्यारे बच्चों, देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। ये आपके एग्जाम्पल में दो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन इज गिवन टू यू। ये एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आप जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा तो एक लंबी सी सांस लीजिएगा और मस्त हो जाइए कि बेटे आ जा, तेरे को तो रगड़ डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है यार। एलसीएम लो ना इसका। एलसीएम लोगे जब इस प्रकार से एक्स की टर्म्स में आई होता है तो आप क्या करते हो, सिंपली इन दोनों को मल्टीपल के रूप में लिख देते हो, बिकॉज हम जानते नहीं है इन दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 और 5 आया था, है ना, दो टर्म्स है। मान लो मैंने लिख दिया 2/7 और यहाँ पे लिख दिया 3/5 लिख दिया। जब दो टर्म्स हैं एंड उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करते हो, एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे सिंपली यू विल राइट इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल। अब x/3 से ये x/3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x-5। x-3 था वो, x-5। इस x-5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-2 से, जो हमने यहाँ पे लिख दिया x-2 इंटू x-5। समझ में आ गई बात? चलो इसको मिटा देते हैं क्योंकि तो आगे भी तो करना है। अब क्या करना है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, एक तो हो गया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर क्या, किसका निशान है, प्लस का। लगाओ भाई निशान, प्लस का चिपकाओ। इसके बाद ये x-5 से x-5 कट गया, मतलब आपको मन में सोचना है यहाँ पे क्या बच गया, x-3। इस x-3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी। यही था ना भाई, यही सिखाया आपने। हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ऐसा लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, या अभी इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, जैसे ये मैं यहाँ थोड़ा फ्रेम से लिख दूँ, यहाँ पे x-3 है और ये क्या है, x-5 है। इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो और 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, या क्या कर सकते हो, ये है a, ये आपने ये पढ़ा होगा, x-a x-b इज इक्वल्स टू व्हाट, x² प्लस प्लस क्या था, a+bx और प्लस में ab। ये यहाँ पे भी वही चीज है, x² + a और b दोनों ही नेगेटिव है, तो इन दोनों को जोड़ोगे a और b को तो माइनस का क्या बन जाएगा, 8। उसके पीछे क्या लगा दोगे, x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 15। ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। सही गया साहब? तो x² + माइनस, माइनस का 8x यहाँ पे है और प्लस का 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल फर्दर सॉल्व इट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा। देखो, x² कितना, x² 2x² माइनस का 7, माइनस का 7 माइनस का 14x² 10 और 12 22। ओवर में ये इसको, और हम जब सॉल्व करेंगे विल मल्टीप्लाई विद दिस नंबर एंड दिस नंबर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते करते इधर आ जाएंगे, थक जाएंगे, तो आपको इसके बराबर मिल जाएगा। और उसके बराबर मिलने के बाद दो देखोगे तो दोनों में कॉमन है, इसके पीछे 8, इसके पीछे 4, और ये 4 है। व्हेन यू विल टेक 2 कॉमन, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा। और 42 गुना कितना होता है, 84। 42 गुना 84 हो गया और ये माइनस का 19। अब देखो, अगर हम सोच पाए, अगर जल्दी से सोच पाए और जल्दी से आपने कर दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं सोच पाए तो, नहीं सोच पाए तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई एक्स की वैल्यू आएगी आपकी -b+-b² -4ac/2a/2। आगे बस में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको कहते हैं रामबाण। जब सब्स्टिट्यूशन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, स्केयर ना लगे, कुछ ना लगे, इसको लगा दो, आंसर आ जाएगा, जैसा होगा वैसा बता देगा। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और नाउ विल स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। माइनस बी है, देखो प्यारे बच्चों क्या है, माइनस माइनस तो जन्म जात इसका अधिकार था माइनस, लेकिन जब आपने ये बी उतारा तो ये तो पूरा बी है,
जब आप इसको उतारोगे तो माइनस का 19 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस का निशान लगा दिया। बी स्केयर, बी स्केयर अगर माइनस का 19 का स्केयर करोगे तो वो प्लस का ही माना जाएगा, और माइनस 4 ऐसे जब आप लिखेंगे, हेयर यू विल गेट 25 सोल्व करने के बाद। जैसे जब आप 19 का स्केयर करेंगे तो 361 आएगा, और 4 दूना 8, 8 8 16, जब आप इसको करेंगे 4 दूना 8 8 16 32, और एक कितना आ जाएगा 33, अंत में जब आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और सोल्व करने के बाद यू विल हैव दीज टू वैल्यूज। एक बार जोड़ दो, एक बार 19 प्लस 5 लिख देना ओवर 4, तो सोल्व करेंगे तो 24/4 आ जाएगा, फिर काटोगे तो 6 आ जाएगा, और एक बार क्या लिख देना 19 माइनस 5 लिख देना और 4 कर देना, जब आप इसको माइनस करोगे 14/4 आ जाएगा, और जब इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.7/2। आसान है ना, मस्त है यार, बिल्कुल आसान है, और ये 4 से 5 नंबर आपको दिला के जाएगा। कितने नंबर दिला के जाएगा, 4 से 5 नंबर। तो प्लीज 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 इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत ही काम के क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको प्रेम की बातें समझ में आ रही होंगी, तो जरूर कीजिएगा, जरूर करके जाइएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशा मदीद,